हेलो ऑल, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो इस बार नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 60,000 एस्पिरेंट्स के द्वारा अप्लाई किया गया, और यही चांसेस है कि जब एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आएगी वहां पे ऑलमोस्ट इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स हम लोगों को फॉर्म फिल करते हुए देखने को मिलेंगे। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कंपटीशन है एग्जामिनेशन के अंदर, वो आप लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग हमारा बैच 12 अनाउंस कर रहे हैं फॉर एचपी एलाइड एंड नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन, जिसकी शुरुआत 10 मार्च 2022 से हो रही है। इससे पहले मैं आज के कोर्स की डिटेल आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, साझा करूं, मैं दो तीन चीजें आप लोगों से पहले डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। ध्यान रखिए, एक हमारा एक कंपनी का पॉलिसी है जहां पे जो भी बच्चा जिस भी बैच में एनरोल करेगा उसको हम सबसे पहले स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को जो हमारे डेमो लेक्चर्स हैं, जो हमारे हैंडआउट्स हैं, वो सबसे पहले आप लोगों ने उनको देखना है। पहले नोट्स को देखिए, लेक्चर्स को देखिए कि कैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उसी के बाद आप लोगों ने इस बैच में एनरोल करना है। उससे पहले आप इस बैच में एनरोल नहीं करोगे। इसका कारण है, इसका रीजन है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कौन टीचर पढ़ाता है, कैसे नोट्स हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। क्योंकि हमारा ये पॉलिसी नहीं है कि जो एक या दो टीचर्स हैं सिर्फ उनके लेक्चर्स दिए जाएं। 7 टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे एसए है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एचपीजी के 7 अलग अलग टीचर्स जब आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, और उन सातों के सातों टीचर्स के डेमो लेक्चर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो पहला सबसे पहला कोर्स है वो डेमो कोर्स ही है। उसके ऊपर क्लिक करिए, उसको ज्वाइन करिए। कोई वहां पे कॉस्ट वगैरह नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। उसको ज्वाइन करिए, उसको देखिए, एक दिन लगाइए, दो दिन लगाइए, हर टीचर के लेक्चर्स देखिए। क्योंकि जब तक आप टीचर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, आप लोगों की प्रिपरेशन का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं रहेगा। तो यही कारण है कि सबसे पहले आप लोग डेमो लेक्चर्स को देखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहता है प्रिपरेशन का, और हम लोग क्योंकि हम भी इसी दौर से गुजरे हैं, तो यही कारण हम लोग चाहते हैं कि पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, फिर डिसाइड करिए। और उसके साथ साथ अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर नायब तहसीलदार एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन टॉपर्स की भी स्ट्रैटेजी पड़ी हुई है, हमारे द्वारा बनाई हुई स्ट्रैटेजी भी पड़ी हुई है, एचपी जीके के फ्री लेक्चर्स हैं, एचपी जीके की आजकल एमसीक्यू के फ्री इनिशिएटिव रोज सुबह 10:15 बजे आप सब लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को रिवाइज किया जा रहा है। तो जो लोग घर बैठ के सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली हुई है, क्लियर, तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन बच्चों के लिए भी है। तो आप लोग जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं वहां से भी अपनी प्रिपरेशन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ये बैच जो है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं जिनको पास समय कम है, या जैसे वर्किंग है, या टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा है, कॉलेज गोइंग है, क्लियर। तो उनको थोड़ा सा यह है कि मटेरियल एक जगह के ऊपर मिल जाए और कोई पढ़ा दे ताकि उनका काम आसान हो जाए, तो वहां पे बैचेस जो है वो हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित होते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई जो है वो आपको खुद करनी है, मेहनत आपको खुद करनी है। क्योंकि हमारे साथ भी हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों की होगी जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, क्लियर। तो कुछ बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कुछ होंगे। तो कहानी सिंपल सी यही है कि आप लोगों को जब भी प्रिपरेशन आप शुरू करोगे, जिस भी तरीके से, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको एक फोकस में रखना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, आपको प्रॉपर मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, कंटेंट और जो बाकी एडवाइस है, गाइडेंस है, वो हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, क्लियर। तो ये तो थी एक दो चीजें जो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले बैच के अनाउंसमेंट से पहले शेयर करना चाहता था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा बैच रहेगा, जैसा कि हमारी सबसे पहले जो फिलॉसफी थी वो यही है कि किस तरीके से जो है वो हम लोग ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों का मेरा मतलब है ज्योग्राफिकल कॉन्स्टेंट, जहां पे इंटरनेट की, जहां मतलब मैं भी खुद हिमाचल से हूं और मेरे को भी पता है कि जब मैं घर जाता हूं तो इंटरनेट के लिए मेरे को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना पड़ता है, घर के कोने पे जाना पड़ता है जहां पे मैं अपने जो लाइव सेशंस हैं उनको देख सकूं। नो डाउट कुछ जगहों के ऊपर स्थिति बेहतर है, कुछ जगहों के ऊपर हमें स्थिति इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे जो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे वो आपको रोज सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे प्रोवाइड किए जाएंगे। दिन में 2 लेक्चर होंगे, मंडे टू सैटरडे होंगे, और लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ ही दे दिए जाएंगे, प्रॉपर शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी और एचपी जीके से आपके इस कोर्स की शुरुआत होगी, तो आप लोगों को सुबह पॉलिटी का लेक्चर मिलेगा, शाम को एचपी जीके का लेक्चर मिलेगा, और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ जो है वो नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, क्लियर। तो सबसे पहली चीज है कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो वो लेक्चर्स रहेंगे, तो आप टीचर के साथ अगर इंटरेक्शन करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन में कहा जाता है कि टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं रहती है, तो संडे टू संडे टीचर जो आपको पढ़ा रहा होगा वो आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करेगा, पहली बात।
दूसरी बात, हमारा एक डिस्कशन फोरम है, थोड़ी देर में मैं उसके डिटेल में भी आप लोगों को बताऊंगा। आप उस डिस्कशन फोरम में जाओगे और वहां पे देखोगे क्लियर कि जो डिस्कशन फोरम है वहां पे आप अपना सवाल डेली बेसिस पे पूछ सकते हो, टीचर आपको वहां पे भी रिवर्ट करेगा। डन। और उसके साथ साथ जो हमारा नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन का बैच है, इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इसका हिस्सा है। चाहे स्पेसिफिकली जो प्री की टेस्ट सीरीज की यहाँ पे मैं बात करूंगा, मेंस की टेस्ट सीरीज इसका हिस्सा नहीं है, प्री की टेस्ट सीरीज जो है इसका हिस्सा है। तो जब अलाइड सर्विसेज का पेपर आएगा तो अलाइड की प्री की टेस्ट सीरीज चलेगी, और जब नायब तहसीलदार का आया है जैसे अभी आया हुआ है तो नायब तहसीलदार की टेस्ट सीरीज जो है वो इसमें इंटीग्रेट की जाएगी, फ्यूचर में भी आएगा। क्लियर। तो यहां पे जो है वो आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। इस स्पेसिफिक कोर्स की जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2022 तक है, यानी कि इस साल के अंत तक आप लोगों के पास ये कोर्स रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो का यही फायदा रहता है, जितनी बार जहां मर्जी आप देखना चाहते हो, जिस पेस जिस स्पीड के साथ आप देखना चाहते हो आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। क्लियर। तो ये स्पेशल अनाउंसमेंट है। इसके साथ साथ जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारे जो अलाइड सर्विसेज एंड नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन, इनकी तीन स्टेजेस हैं। नायब तहसीलदार में जो थर्ड स्टेज है वो इंटरव्यू स्टेज है, और अगर मैं बात करूंगा एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन की, जो इसमें जो थर्ड स्टेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। तो अभी कैबिनेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जो है वो खत्म कर रही है, तो देखते हैं कि जब एलाइड सर्विसेज की नोटिफिकेशन आएगी कि उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक आम लोगों को ये तीन अलग अलग स्टेजेस जो है वो देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले प्रीलिम्स स्टेज है, जहां पे आप लोगों से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एलाइड में भी पूछे जाएंगे, एनटी में भी पूछे जाएंगे। एलाइड में 200 क्वेश्चंस रहते हैं, और जो नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन है वहां पे 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस की अगर मैं बात करूंगा तो मेंस में हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्टिव पेपर होंगे दोनों में ही। नंबर्स में वेरिएशन है, नंबर्स जो है वो एलाइड में डिफरेंट है, एनटी में डिफरेंट है, लेकिन दोनों में हिंदी और इंग्लिश का पेपर रहेगा। इसके साथ साथ जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, हिमाचल जीके, करंट अफेयर्स, ये आपको एनटी में भी देखने को मिलेगा और ये आपको एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। बस डिफरेंस ये है कि एलाइड में ये सब्जेक्टिव है और जो हमारा नायब तहसीलदार है वहां पे ये ऑब्जेक्टिव है। तो एलाइड में आप लोगों की आंसर राइटिंग जो वो बेटर होनी चाहिए, इवन नायब तहसीलदार में भी होनी चाहिए, क्योंकि नायब तहसीलदार में आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देखने को मिलता है, दैट इज एसए, जो एलाइड सर्विसेज का हिस्सा नहीं है। पर क्योंकि ये कोर्स एनटी और एलाइड दोनों का है तो आप लोगों को एसए भी इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर जो है वो इंटीग्रेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जो हिस्सा होंगे। करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, जनरल स्टडीज आपको मिलेगी, हिमाचल जी के, इंग्लिश, हिंदी, एसए, क्लियर। ये हर जो कंपोनेंट है वो आपके कोर्स का हिस्सा होगा, जो एनटी और जो एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन में आप सब लोगों की मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। तो ये प्रॉपर शेड्यूल है, सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर किए जाएंगे। जैसे सुबह 10 बजे पहले पॉलिटी शुरू होगा और पॉलिटी के साथ शाम को 7 बजे एचपी जीके की शुरुआत की जाएगी। और एचपी जीके होपफुली आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एलाइड की बात की जाए, क्लियर, वहां पे 60 के आसपास क्वेश्चन एचपी जीके से प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, और नायब तहसीलदार में 30 के आसपास क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को एचपी जीके से देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है एचपी जीके को हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। टोटल 35 के आसपास लेक्चर जो है वो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश जीके के देखने को मिलेंगे। तो पॉलिटी और एचपी जीके साथ में चलेगा, उसके बाद जो वो ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी साथ में चलेगा, देन मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस चलेगा, एनवायरमेंट एंड गांधीयन थॉट्स चलेगा, हिंदी और इंग्लिश चलेगा, गांधीयन थॉट्स के साथ जो कल्चर है उसको भी कवर किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो एनटी और नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन है यहाँ पे हम लोगों को एंशियंट मेडाइवल हिस्ट्री से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, उनका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वहां से हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से जो आपका पूरा जो कोर्स है उसका सीक्वेंस चलेगा। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स की है, 3 महीनों तक जो है वो आपका ये कोर्स चलेगा। तो अब सवाल आएगा कि कैसे इस कोर्स को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले ये सारा जो लिंक्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो अब डिस्क्रिप्शन में जहां पे कोर्स लिंक लिखा हुआ है आप कोर्स लिंक पे क्लिक करोगे, ये हमारी वेबसाइट है civilstaffhimachal.spai.com। इस वेबसाइट में इस तरह की आपको स्टार्टिंग में दिखेगी। तो यहां पे सबसे पहले जो है ये जो लॉगिन वाला एरिया लिखा हुआ है यहां पे आप क्लिक करोगे। अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड यानी कि अगर आप ऑलरेडी हमारा जो पोर्टल है उस पर साइन अप कर चुके हो तो आप यहां पे साइन अप करोगे या कर चुके हो तो डायरेक्टली लॉग इन करोगे यूजर नेम और पासवर्ड से। अगर साइन अप नहीं किया है, पहली बार इस पोर्टल के ऊपर आ रहे हो तो यहाँ पे साइन अप करिए, अपना नाम डालिए, ईमेल आई डालिए और मोबाइल नंबर डालिए, और उसके बाद जो है वो आप एक यूजर नेम या अपना पासवर्ड जो है वो डिजाइन करोगे या पासवर्ड वहां पे फीड करोगे, और वो पासवर्ड आप फ्यूचर में इस लॉगिन पे क्लिक करके यूज करोगे। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका पोर्टल और आपका जो कोर्स होगा वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। इवन जो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है स्टोर, डन, थोड़ा सा हो सकता है कि ब्राइटनेस के कारण ना दिख रहा हो,
तो जो स्टोर लिखा हुआ है, स्टोर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी फ्री इनिशिएटिव पेड इनिशिएटिव है वो आपको देखने को मिलेंगे। फ्री इनिशिएटिव पे बस आपने क्लिक करना है, जो फ्री वाला शब्द है उस पर बस क्लिक करना है, वो अपने आप ऐड हो जाएगा आपके पोर्टल के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये लॉग इन वाला पेज आ जाएगा जहां पे आप अपना यूजर नेम डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, क्लियर। उसके बाद स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे आप डेमो पे क्लिक करोगे अगर आपने डेमो लेक्चर्स वहां से एक्सेस करने हैं, नहीं तो आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आप देख सकते हो। यहीं से ही आप हमारा जो एचपी एलाइड एंटी कोर्स 12 है वो भी इसी स्टोर के ऊपर जाके यहां पे सर्च मारो कोर्स 12, क्लियर। तो आपको वो यहां पे मिल जाएगा। जैसे आपको ये एचपी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज वगैरह देखने को मिल रहा है, इस कोर्स के ऊपर आप क्लिक करोगे और कोर्स जो है वो आपके पोर्टल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जैसे आपको जो कोर्स है वो ऐड होगा तो इस तरीके से हमारा पूरा सेक्शन दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी आ गया तो इंडियन पॉलिटी के कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, क्लियर। उसके साथ जब आपको यहाँ पे पीडीएफ या हैंडआउट भी अटैच होता हुआ देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो पेज है वो डेमो लेक्चर्स का है। जब आप डेमो लेक्चर्स को एक्सेस करोगे तो अब यहाँ पे आपको पीडीएफ भी अटैच होता हुआ देखने को मिलता था। पहले सिर्फ लेक्चर्स होते थे, अब लेक्चर्स के साथ पीडीएफ, जैसे देखिए पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एचपी जीके है, हिंदी है, इसके बाद आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, क्लियर, साइंस देखने को मिलेगी, इकोनॉमी देखने को मिलेगी। तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे सबके डेमो लेक्चर जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका कोई डाउट रहेगा पोर्टल के ऊपर, अगर आपने रेज करना है, तो जो भी वीडियो होगा उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन बना हुआ है, आप इस कमेंट सेक्शन के ऊपर जो वो क्लिक करोगे, क्लियर, और वहां पे अपना कमेंट डालोगे तो इस तरीके से जो है वो जो भी डाउट हैं वो आपके रिजॉल्व किए जाएंगे, क्लियर। तो ये तो हमारा है पोर्टल वाली बात। दूसरा हमारा है वेबसाइट। तो इस वेबसाइट से भी आप कोर्स के ऊपर जा सकते हो। ये वेबसाइट हमारी है www.civilstaffhimachal.com। इस वेबसाइट को डिजाइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को हेल्प करना। जैसे यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स अलग हैं, मेंस के करंट अफेयर्स अलग हैं, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स डिफरेंट है, उसके साथ साथ डेली क्विज है, हिमाचल प्रदेश क्विज है, क्लियर, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आप रीड कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो। यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग है, आजकल हमारी मेंस आंसर राइटिंग के भी फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं। स्पेसिफिक टाइम पे आई थिंक 46th-47th डे चला हुआ है, जहाँ पे हर रोज आपको एक मेंस का क्वेश्चन टारगेट के रूप में दिया जाता है, आप अपना आंसर सबमिट करते हो और उसके बाद टीचर जो आपको इवेल्युएट करके भेजता है, क्लियर। तो इस वेबसाइट को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, दैट इज civilstaffhimachal.com। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, चाहे हमारी इस वेबसाइट की बात की जाए, चाहे हमारा जो YouTube चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके डेली करंट अफेयर क्विज की बात करो, तो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद है। और इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग हर तरह का जो स्टूडेंट है, हर तरह का जो एस्पिरेंट है, उसकी नीड को केटर कर सके, क्लियर। तो क्योंकि चैनल जब हमने शुरू किया था, जो लोग बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि इस चैनल की जर्नी क्या रही है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था। इवन अभी भी हम अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो कंप्लीटली स्टिक हैं, क्लियर। तो इसी के साथ ये जो हमारे कोर्स की डिटेल है इसको मैं यहीं पर ही कंक्लूड करता हूँ। तो मिलेंगे हम लोग जल्दी ही किसी और अनाउंसमेंट के साथ या किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।